एक भी सीट नहीं जीता अभी, तोड़ देगा, हार जाएगा सर। मौलवी साहब को मालूम है, कोई जानकारी नहीं है। अभी जो हमले हो रहे हैं पीओके पर, जीएनके पर, तो सब के लिए जिम्मेवार है अमित शाह। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लगातार एक्शन में दिख रहे हैं, और इस बार लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर अमित शाह के ऊपर बड़ा हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, नए कानून को लेकर संसद में भले आज बहस हो रही है, लेकिन उसके लिए जो जिम्मेवार हैं वो केवल अमित शाह हैं। यानी बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, कानून में संशोधन की बात की जा रही है, धारा 370 हटने के बाद से जो बवाल मचे हुए हैं, इन तमाम कारणों के लिए अगर कोई जवाबदेही या किसी की जिम्मेवारी बनती है तो उस शख्स का नाम है अमित शाह। लालू प्रसाद यादव आज सुबह सुबह अपने आवास से बाहर निकल रहे थे, इस बीच मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि लालू प्रसाद यादव जी आप बताइए कि आज संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर जो नया कानून है वो लाया जा रहा है, इस पर चर्चा भी है, आज पास होना है, उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कहना क्या है, जो भी है अमित शाह इस पूरे मामले में जिम्मेवार हैं, और जो भी जिम्मेवारी होती है उसको अमित शाह को लेना चाहिए, अमित शाह की वजह से इस तरीके की घटनाएँ घट रही है, यानी जम्मू में जो कुछ भी है उसके कसूरवार केवल और केवल अमित शाह है। साथ ही साथ पांच राज्यों के चुनाव के जब नतीजे सामने आए, उसके बाद सवाल ये उठ रहा था कि क्या कांग्रेस कमजोर हुई है, कांग्रेस को कैसे अब लड़ना है, बीजेपी कहीं 2024 में तमाम सीटें तो नहीं जीत जाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने ही अंदाज में कहा कि 2024 के चुनाव में बिहार में बीजेपी बिहार के लोगों को गुमराह नहीं कर सकती है। लालू प्रसाद यादव का यह मानना है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से परास्त होगी और महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन है, वह सभी सीटें जीत जाएगी। लालू प्रसाद यादव दावा कर रहे हैं कि बिहार में बीजेपी की एक भी सीट नहीं जीतने देंगे, लेकिन इन तमाम सवालों से इतर बीजेपी लगातार जो कोशिश कर रही है, लगातार ये जो बयान दे रही है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी 40 से 40 सीट जो है लोकसभा की, उन तमाम सीटों को जीतेगी और महागठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। इन तमाम आरोपों के बीच, बयानबाजी के बीच लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया कि चाहे जिसे जो कहना है कहे, लेकिन बिहार से भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। यानी 24 के चुनाव में 40 में से 40 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी बस हाथ मलती रह जाएगी, सभी सीटें राजद और उसके सहयोगी जीत लेंगे। सुनिए लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं। एक भी सीट नहीं जीतेगा, तोड़ देगा, हार जाएगा सर, वो हम लोग जीतेंगे। अच्छा, ये अमित शाह कल लोकसभा में बोले हैं कि पीओके के लिए जवाहरलाल नेहरू ही थे दोषी, लगातार उन पर हमले कर रहे हैं अमित शाह। अमित शाह को कोई मालूम है, कोई जानकारी नहीं है पीओके के लिए, पीओके पर डेंजर है, इसके लिए अमित शाह। अभी जो हमले हो रहे हैं पीओके पर, जीएनके पर, तो सब के लिए जिम्मेवार है अमित शाह। मीटिंग कब होगा सर? इंडिया 17-18 को। 2024 की तैयारी है। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।